नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मात्र आधे घंटे के बारिश में ये अभी हम खड़े हैं एमजीएम के पास में। एमजीएम गोलचक्कर जो है कितने यानी किस तरह से लबालब हो चुका है पानी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घुटने भर पानी यहाँ भर चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे करके चल रही है और यहाँ पे स्थिति जो है बस से बदतर हो गई है। लेकिन जेनेसी के अंडर ये पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अभी आपको एक इंटरव्यू सुनाते हैं जिसमें एक छात्रा क्या कहती है और साथ ही साथ जो राहगीर हैं यहाँ पे उनका क्या कहना है। बहुत पानी जम गया, तो डर भी लग रहा चलने में। बहुत ज्यादा ही डर लग रहा वहाँ चलने में, पूरा पानी भर गया, चल नहीं सक रहे वहाँ। बहुत गड्ढा भी है, टेम्पो भी फंस गया है। एमजीएम बोल सकते हैं हम लोग जेल चौक से ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, साइकिल नहीं चल पा रहा है। क्या कुछ परेशानी हो रही है, कितना पानी जम गया है? बहुत ज्यादा ही जम गया है, घुटना तक जम गया है। क्या भैया दिक्कत हो रहा है पानी निकल रहा है, पानी का जाम है। बहरहाल आप स्थिति देख सकते हैं, आपको लोगों का इंटरव्यू मैंने सुनाया कि उन क्या उनके साथ तकलीफ है और छात्र और छात्राएं जो हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं और जो राहगीर यहाँ पे फंसे हैं उनको भी आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ के जो जेनेसी अधिकारी हैं, जेनेसी के लोग हैं, वो कहाँ पर अभी तक हैं पता नहीं। क्योंकि इस तरह का माहौल जो है लोगों को ये पता था कि हमेशा यहाँ पर होता है, लेकिन पहले जो है यहाँ पर देखना चाहिए था कि क्या स्थिति है। अब अगले अंक में आपको दिखाएंगे कि यहां का स्थिति और कितना बेहवा है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।